जो पहले दिन से इन्वेस्टिगेशन हुआ गलत हुआ, इनकम टैक्स में भेजा उन लोगों ने, इनकम टैक्स ने हमको पूरी राहत दी, राहत देने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट लेवल तक हमारे फेवर में होल्ड हुआ और उसमें ये पाया गया कि जो हमारी आय है, जो सुश्री मायावती जी के खाते में एक एक सिंगल नया पैसा है वो जेन्युइन है, बोनाफाइडी है। उसके बाद भी जो CBI है पॉलिटिकल प्रेशर में, उन्होंने केस वापस नहीं किया जिसको दर्ज किया था उन्होंने BJP के कहने से, प्रेशर में आकर के उन्होंने वापस ले लिया, कांग्रेस के प्रेशर में आकर के आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिटेल्ड निर्णय 35-36 पन्ने का निर्णय में दे करके सारी चीज़ों को डिस्कस करके और उसको क्वेश कर दिया। देखिए 18 सितंबर का आदेश था, अक्टूबर में 2003 में FIR दर्ज हो गई, लेकिन आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को तुरंत आकर ये बात बताने के बजाय, आपका सवाल जवाब मैं दे देता हूँ कि पहले हम लोग हाईकोर्ट गए थे और उच्च न्यायालय ने जब अपना निर्णय दिया और उसमें कहा कि ये CBI का ये कहना है FIR में ही कि हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे FIR दर्ज कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये सर्वोच्च न्यायालय इस पे निर्णय कर सकती, हम नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग मेरा एक आखिरी सवाल, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता है इसीलिए, आप लोग लगातार ये शिकायत करते हैं कि CBI केंद्र के इशारे पर काम करती, पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो प्रूव हो गया, लेकिन जब उसको स्वायत्त करने की बात आती है तो आप लोग लोकपाल और बाकी चीजों का विरोध कर देते हैं। शायद आपने हमारा डिबेट नहीं सुना है, आप राज्यसभा में जो हमने बोला था इसके बारे में उसका डिबेट निकाल लीजिए, वो आपको नेट में मिल जाएगा, उसमें देख लीजिए हमने क्या कहा।